गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका का तीसरा अध्याय सना सना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। सबसे पहले मैं आपको मधु कांकरिया की जानकारी प्रदान कर दूं। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी इनके द्वारा किया गया। उनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में हम देखते हैं पत्ताखोर के नाम से इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदनाओं की नवीनता हमें देखने को मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, अपसंस्कृति यानी संस्कृति का होता हुआ पतन, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लालबत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनके रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। अब बात करते हैं हम इस रचना के बारे में, विशेष रूप से इस रचना में लेखिका के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया है। आज वर्तमान में जो महानगरों की जीवन शैली है, जिसमें एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव कहीं पर देखने को नहीं मिलता, अर्थात महानगरों की जो भाव शून्यता है, भागम भाग की जो जिंदगी है और मशीनों के समान यंत्रवत जीवन से जो ऊब पैदा हो गई है, उस ऊब ने मधु जी को प्रेरित किया दूर दूर की यात्राएं करने के लिए। तब मधु जी ने जो यात्राएं की, उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया। ये जो रचना आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है साना साना हाथ जोड़ी, इसमें पूर्वोत्तर भारत का जो सिक्किम राज्य है उसकी राजधानी गंगटोक, जिसे आप गैंगटोक से नाम के नाम से जानते हैं, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय की यात्रा का जो वर्णन किया गया है उसमें हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित होने वाला सौंदर्य हम सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके इस रचना का अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए भी अपनी आँखों से निहार रहे हैं या देख रहे हैं। यहाँ पर एक महिला यायावरी की प्रवृत्ति को भी बताया गया। महिला यायावरी का अभिप्राय है महिलाओं की घुमक्कड़ प्रवृत्ति, यायावरी यानी घुमक्कड़ जीवन शैली को कहा जाता है, तो ये घूमती रही, उसे यहाँ पर इन्होंने यायावरी के नाम से प्रकट किया। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर केवल मुग्ध ही नहीं होती, आकर्षित ही नहीं होती, बल्कि वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी उसने इस रचना में रेखांकित करने का प्रयास किया। साथ ही वो ये बताना भी नहीं भूली कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं और इस सृष्टि की विशालता, परिवर्तित स्वरूप, सृष्टि की समग्रता का भी हमें एहसास होता है, क्योंकि यात्राओं से मनोरंजन होने के साथ साथ ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, साथ ही भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इतना ही नहीं, ये जो घुमक्कड़ी की प्रवृत्ति है ये हमें अपने स्व से यानी अहम से जो संकीर्णता हमारे मन में पैदा होती है उस स्व की संकीर्णता से भी हमें मुक्त करती है। तो देखिए किस तरह लेखिका की यात्रा प्रारंभ होती है,
वो सिक्किम की तरफ जाती है, हिमालय के वहाँ पहुँचती है और कैसे वहाँ की सुंदरता इसको आकर्षित करती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन मधु कांकरिया जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। पाठ प्रारंभ करते हैं। लेखिका ने अपनी विस्मयकारी स्थिति को प्रकट करते हुए कहा कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। ये रात्रिकाल के सुंदर दृश्य का चित्रण है, जब ये वहाँ पर नीचे बैठी है और इसे आसमान उल्टा लग रहा है और तारे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर, तराई होता है पहाड़ों का निचला हिस्सा, दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर से बना रहे थे। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर थी और तराई नीचे होती है, तो जब ये नीचे देखती है तो आसमान के तारे वहाँ पर इसे जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे, झालर से बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगा था, गैंगटॉक शहर था। इस प्रकार से इसने गैंगटॉक का परिचय प्रदान किया। अंडरलाइन करना, ये वाली बात महत्वपूर्ण है कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। यहाँ पर देखिए, गैंगटॉक को इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल क्यों कहा? उसके पीछे मूल कारण है इतिहास से संबंधित साक्ष्य, प्रमाण या इमारतें या स्मृतियाँ वहाँ पर आज भी है, इतिहास के घटनाक्रम वहाँ पर घटित हुए हैं। उसके साथ साथ वर्तमान का विकास भी, वर्तमान का महानगरीय जीवन शैली का प्रभाव भी, वर्तमान का मशीनरी का विकास भी, वर्तमान के जितने भी विकास हुए हैं वो सब भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए इतिहास और वर्तमान वहाँ पर दोनों उपलब्ध हैं, अतः इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल यानी जोड़ने वाला स्थल उसको माना गया है। साथ में वहाँ के लोगों की उस प्रवृत्ति की ओर भी संकेत किया है कि वो जीवन जीने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है, इसलिए उसे इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। अब उस रात्रि की सुंदरता इसे किस कदर प्रभावित करती है, आकर्षित करती है, उसका चित्रण करते हुए लेखिका कह रही है कि और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन आकर्षण जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे आप हिप्नोटाइज करना कहते हो, वो हिप्नोटाइज कर चुकी थी, वो सुंदरता इसे अपनी ओर खींच चुकी थी कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित हो गया। सब कुछ स्थगित होने का मतलब है सोचने विचारने की क्षमता, मन बुद्धि सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो चुके थे, अर्थहीन हो चुके थे मैं, मेरी चेतना और मेरा आसपास, मेरे भीतर और बाहर सिर्फ शून्य था, मतलब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झलर। अतीन्द्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे, मतलब जिस सुंदरता की कल्पना इसने नहीं की थी वह सुंदरता इसे कहाँ पर दिखाई दी? उस वहाँ पर पर्वत पर बैठकर नीचे तराई की तरफ दिखाई दी, तो इसे ऐसा लगा कि ऐसी सुंदरता तो मैंने अपनी इंद्रियों से कभी देखी नहीं है। इसलिए उन तारों की सुंदरता को इसने क्या कहा? अतीन्द्रियता में डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झालर कहा। धीरे धीरे एक उजास यानी प्रकाश या उजाला उस शून्य से फूटने लगा। शून्य जो इसकी अवस्था थी, मन की अवस्था, वातावरण की भी अवस्था थी, शांत वातावरण था, चेतना की अवस्था, बुद्धि की अवस्था, उसे कहा शून्य कि एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कोसेली। अर्थात इसका अभिप्राय बताया कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे, मतलब नेपाली भाषा का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया। अब आगे की यात्रा के बारे में बता रही है लेखिका और कह रही है कि सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी और ऊंची चोटी है।
पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट यानी किवाड़ ठाकुर जी के कपाट की तरह बंदी अर्थात जैसे ठाकुर जी के मंदिर के कपाट यानी किवाड़ दरवाजे बंद रहते हैं, उसी तरह बादलों के दरवाजे नहीं खुले और इसे कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। कंचनजंगा नहीं दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितने नारके मुझे बता रहा था, अब इसका जो ड्राइवर था वो ड्राइवर होने के साथ साथ गाइड भी था, जिसका नाम क्या था, जितेन नारगे। वो इसे बता रहा था कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी, ये उससे प्रश्न पूछती है। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, जैसे बच्चों का जो उत्साह होता है ना, उसे उत्साह से ये उससे पूछती है। तो वो क्या कहता है, चलिए तो सही जगह जगह। ये अगला पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न है कि वहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित पताकाएँ लगाई जाती है, वो पताकाएँ क्यों लगाई जाती है, उसका कारण इस पैराग्राफ में है। जगह जगह गदराए हुए, गदराए यानी रस से भरे हुए, सूखे नहीं, रस से भरे हुए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। क्या दिखाई दी, एक कतार में, कतार यानी पंक्ति में, लाइन में लगी हुई सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ किसी ध्वज की तरह लहराती, ध्वज यानी झंडे की तरह लहराती, अंडरलाइन करना इसको, शांति और अहिंसा के प्रतीक थी ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगी ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म का मतावलंबी, तो उसके आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती है, परंतु वो सफ़ेद नहीं होती, वो रंगीन होती है। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। हिचको ले खाती हुई हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कविलांग स्टॉक। अभी इतिहास का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है, क्योंकि इसे इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल कहा है, तो ऐतिहासिक एक घटनाक्रम यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस के बमसन ने लेपचाओं के शोमैन से कुंज टेक के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले हुए बहुत लंबे झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल किसको माना जाता है, उस कवि लॉन्ग स्टॉक को माना जाता है। उन्हीं रास्तों पर देखा मैंने, देखा अंडरलाइन करना, ये भी प्रश्न है पीछे कि वो प्रेयर व्हील का प्रेयर व्हील क्यों लगाया जाता है या प्रेयर व्हील का क्या मतलब है यहाँ पर। तो देखिए, उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। तो इसने पूछ लिया ये क्या है, तो नारगे कहने लगा मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन करना है। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि आज हम चाहे कितने ही विकास की ओर अग्रसर हो चुके हैं, चाहे हम कितने ही आधुनिक हो चुके हैं, चाहे हम कितने ही शिक्षित हो चुके हैं, परंतु हमारे आज भी शहर देखें, गांव देखें, मैदान देखें, पहाड़ देखें, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद हम सबकी आत्मा एक है। जैसी है आज भी हम वही आस्था हैं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य, कल्पना सब एक जैसी लेकर के चलते हैं। तो उसी बात को यहाँ कहा कि क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है, लोगों की आस्थाएं एक जैसी है, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब कुछ एक जैसी है। बाकी आगे की क्लास में, धन्यवाद।